नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे शेयर के बारे में जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे एक बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है। इस गिरते हुए मार्केट में, गिरते हुए माहौल में भी ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये पाँच शेयर के बारे में बताएंगे। और ये पाँचों स्टॉक्स आपको बहुत ही बेहतरीन है, जैसे आपको गिरावट वाले मार्केट में लोअर प्राइस में मिलता है तो आप ज़रूर इसमें बाइंग करें, लेकिन आप अपना खुद भी रिसर्च करेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेंगे। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, वीडियो को देखिए और स्टॉक मार्केट को सीखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसका पहला शेयर है हमारा, वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बहुत ही बेहतरीन शेयर है और इसका आप देख सकते हैं अभी जो करेंट मार्केट प्राइस है वह है 1523 रुपीज़। देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो पी रेशियो है वो है 64 का। आपको पी रेशियो भी देखना चाहिए क्योंकि अभी स्टॉक्स जो है बहुत सारे लो वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, मतलब अपने इंट्रेंसिक वैल्यू कहते हैं रियल वैल्यू ऑफ शेयर, जो उसका फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है। सारी चीज़ को करने के बाद हम उसका एक वैल्यू निकालते हैं, तो जो रियल वैल्यू होता है उसे हम उस शेयर का इंट्रेंसिक वैल्यू कहते हैं। मतलब इस मार्केट में, अभी गिरावट के मार्केट में क्या उसका रियल वैल्यू होना चाहिए, तो वो होता है इंट्रेंसिक वैल्यू। तो अभी पी रेशियो से हम इंट्रेंसिक वैल्यू को जांचते हैं। तो पी रेशियो है इसका 64 रुपीज़ 84 पैसा। तो देख सकते हैं 64 रुपीज़ 84 पैसा। और डिविडेंड यील्ड इसका देख सकते हैं कि 0.67% है, 1 से कम है। और इसका 50 वीक हाई देख सकते हैं 1709 रुपीज़ है। ये 52 वीक हाई से देख सकते हैं बहुत ही करीब है। तो ये हो गया हमारा इसका थोड़ा सा जो यहाँ पर फंडामेंटल के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद हम इसका बात करते हैं रिटर्न का। देख लीजिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसका रिटर्न आप देख सकते हैं ग्राफ इसका, और मैक्सिमम ईयर में आपको दिखाते हैं। देखिए इतना बेहतरीन चार्ट आप बहुत ही कम स्टॉक्स का देखे होंगे। देख सकते हैं इतना बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर ऐसे मिलाइए, देखिए रिटर्न इस तरह का रिटर्न जो है बहुत सारे कम स्टॉक्स देते हैं। बहुत सारे कम स्टॉक्स आपको इतना अच्छा रिटर्न देते हुए आपको मिलेगा। कभी इस स्टॉक्स में भारी गिरावट हुआ ही नहीं। आपका इसका जो टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं, इसका जो प्राइस चार्ट है, इसमें कभी भी भारी गिरावट देखने नहीं मिला। स्लोली ये देख सकते हैं इसका ग्राफ ऊपर चढ़ता ही गया। तो ऐसे स्टॉक जब भी आपको मिलते हैं गिरावट के मार्केट में, आपको लो वैल्यूएशन पर, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से कम वैल्यू पर आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप दिखा देते हैं आपको इसका जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है उस पर कितना डेप्ट है कंपनी के पास, कितना क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर कंपनी का रिजर्व देख लीजिए, कंपनी के पास कुल 4135 करोड़ का रिजर्व है। तो देख सकते हैं इतना का रिजर्व है कंपनी के पास। डेप्ट देख सकते हैं, डेप्ट देख करके आप भी खुश हो गए कि टोटल डेप्ट कंपनी के पास जीरो है। किसी भी तरह का देख सकते हैं लोन भी नहीं है कंपनी के ऊपर। कुल लाइबिलिटीज़ है 4186 करोड़। तो ये लाइबिलिटीज़ है, जो कि कारोबार चलता है तो लाइबिलिटीज़ तो कंपनी के ऊपर रहेगा ही। आगे आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट भी है। तो देख सकते हैं कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 2189 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी के पास। इतना मतलब ये अपना जो एसेट है वो उसे इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, यहाँ देख सकते हैं 117 करोड़ इतना जो है कंपनी जो है कैश और बैंक बैलेंस है, कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है ये। और नीचे चलते हैं तो आपको हम बुक वैल्यू दिखा देते हैं, कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बुक वैल्यू कंपनी का लगातार इंक्रीज, 45, 51, 66, 70, 82, इस तरह से देख सकते हैं कंपनी का बुक वैल्यू भी लगातार इंक्रीज हो गया है। तो इस तरह से आपको और सारी रिसर्च कर लेना है और इस सारे स्टॉक्स में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना है, जैसे गिरते हुए मार्केट में आपको लो वैल्यू पर मिलता है।
दूसरा शेयर है हमारा आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्री के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस भी देखे होंगे। आरती इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स को एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। आरती इंडस्ट्री बहुत सारे इन्वेस्टर को मालामाल कर चुका है। तो देख सकते हैं इन आरती इंडस्ट्री का चार्ट यहाँ पर देखते हैं। अगर कोई 2014 में इन्वेस्ट किया होगा तो इस तरह का चार्ट आप बहुत कम कंपनी का देखेंगे। देख सकते हैं इसका चार्ट कितना बेहतरीन चार्ट है। देख सकते हैं 2014 में कोई इन्वेस्ट क्या होगा तो उसका इन्वेस्टमेंट किस देख सकते हैं किस रफ्तार से आगे बढ़ा है। उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अमाउंट देख सकते हैं इतनी रफ्तार से आपका मनी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसका देख सकते हैं 52 वीक हाई वो है 1137 रुपीज, मतलब अपने 52 वीक हाई के करीब प्राइस अभी भी चल रहा है। समझ सकते हैं इतने गिरावट के मार्केट में अभी भी इन सारे स्टॉक्स में कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं आया है। देख सकते हैं अभी भी ये 52 वीक हाई के करीब ही है और 52 वीक लो है देख सकते हैं 668 रुपीज़। तो 52 वीक लो ये हो गया हमारा। पी रेशियो देख सकते हैं 34 रुपीज़ 31 पैसा ये है हमारा कंपनी का पी रेशियो आरती इंडस्ट्री का। और डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 0.54%। डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है लेकिन रिटर्न आप देख सकते हैं कंपनी का कितना बेहतरीन है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स अगर आपको गिरावट के मार्केट में लो वैल्यूएशन पर मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। अब आपको हम दिखा देते हैं इसके बैलेंस शीट में कितना कैपिटल है, कितना डेप्ट है, तो इन सारी चीज़ों को हम देख लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं रिजर्व है कंपनी के पास 2517 करोड़ रिजर्व हो गया। और यहाँ से डेप्ट देख सकते हैं कंपनी के पास डेप्ट भी बहुत ज़्यादा है 2070 करोड़ का डेप्ट है इस कंपनी के पास। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे कंपनी के पास जो है कैश और बैंक बैलेंस कितना है और जो कंपनी का बुक वैल्यू है उसको भी देख लेंगे। कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट, इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं 33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी के पास, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। और कैश और बैंक बैलेंस ये थोड़ा अच्छा है 797 करोड़, लगातार ये हमारा कैश और बैंक बैलेंस बढ़ा है देख सकते हैं पिछले साल। तो 797 करोड़ का जो है कैश और बैंक बैलेंस है। अब हम देख लेते हैं बुक वैल्यू, कंपनी का बुक वैल्यू इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो कंपनी का बुक वैल्यू आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ रफ्तार से इंक्रीज हुआ है। देख सकते हैं 295 करोड़ का बुक वैल्यू है कंपनी का, तो बुक वैल्यू भी बहुत ही शानदार है कंपनी का। तो इस तरह से जो आप है फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा और इसका कर लेंगे। उसके बाद ऐसे स्टॉक्स अगर आपको गिरावट के मार्केट में आता है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए तो ऐसे स्टॉक में। लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर अवश्य लें। तो आप दिखाते हैं आपको तीसरा स्टॉक से हमारा अतुल लिमिटेड। दोस्तों इसका रिटर्न देख करके आप और अचंभित हो जाएंगे। इसका रिटर्न देख करके आप देखिए 2014 ईस्वी से इसका रिटर्न ग्राफ किस तरह से चला है इसका देख सकते हैं। इसका ग्राफ देखिए आप, यहाँ से हम ग्राफ को नीचे मिलाते हैं, बताइए इस तरह का रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट पर इस तरह का मतलब आपका जो वेल्थ है इस तरह से क्रिएट हो कि लगातार आपका अप ट्रेंड में हो आपका वेल्थ। तो ऐसे स्टॉक में कौन इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो देख सकते हैं कितना गजब का रिटर्न है और 52 वीक हाई देख सकते हैं 5445 रुपीज़, ये 52 वीक हाई प्राइस है। और इसका जो 52 वीक लो प्राइस है 2923 रुपीज़, ये 52 वीक लो प्राइस है। और जो डिविडेंड यील्ड है देख सकते हैं 0.46% का डिविडेंड यील्ड है इसका 0.46%। और इसका मार्केट कैप भी देख सकते हैं कि मार्केट, उसके बाद देख सकते हैं आप इसका जो पी रेशियो है वो 22 का है, पी रेशियो 22 का है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। और आगे इसका हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में इसका देख सकते हैं मार्च 20 बैलेंस शीट अपडेटेड हो चुका है, मार्च 20 तक देख सकते हैं, मार्च 20 तक ये बैलेंस शीट अपडेटेड है। तो अब यहां पर देख लीजिए कंपनी के पास कुल कितना डेप्ट है, देख सकते हैं कंपनी के पास कुल कितना डेप्ट, डेप्ट लगातार जीरो होते चला गया। और कंपनी का जो रिजर्व है ये देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक ये छोटी सी कंपनी, मतलब जो आप बड़े बड़े स्टॉक्स अभी ब्लू चिप स्टॉक लेते हैं उसके सामने इसका भी रिजर्व देख लीजिए 15,000 करोड़
का रिजर्व है इस कंपनी के पास। तो देख सकते हैं कितना का रिजर्व है, तो आप देख करके चौंक जाएंगे। ऐसे ही ये स्टॉक्स इतना बेहतरीन नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है, डेप्ट भी जीरो है। और कंपनी के बारे में देख लीजिए, कंपनी के सारे फंडामेंटल्स बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट देख करके आप चौंक जाएंगे। देख लीजिए 2020 में कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हो चुका है, सीधे यहाँ से आप देख लीजिए 8 times हो चुका है, लगभग 8 times, मतलब 7 और 8 के बीच है। तो लगातार कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो चुका है। अब देख लेते हैं कैश और बैंक बैलेंस, तो कैश और बैंक बैलेंस में भी इंक्रीज हुआ है कम, मतलब और सारे जो अमाउंट है, मतलब और सारे जो कैपिटल है कंपनी का, उसके तुलना में कैश और बैंक बैलेंस कम है। लेकिन कंपनी में जो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में के और रिजर्व में जो इंक्रीज हुआ है 2020 में, वो कंपनी के स्टॉक को और भी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बुक वैल्यू आपको दिखाते हैं, कंपनी के बुक वैल्यू में कितना का इंक्रीज हुआ है। कंपनी के बुक वैल्यू को देखेंगे तो अभी देख सकते हैं 4 साल में बुक वैल्यू 2 गुना हो चुका है। देख सकते हैं 1000 करोड़ का बुक वैल्यू है इस कंपनी का, देख सकते हैं कितना का 1000 करोड़ का बुक वैल्यू है कंपनी के पास। इतना बेहतरीन स्टॉक्स है, तभी तो इतना जो आपको प्राइस दिख रहा है, अभी भी इतने गिरावट वाले मार्केट में भी एक थोड़ा सा भी इस स्टॉक्स में गिरावट नहीं आया। इतना बड़े गिरावट वाले मार्केट में भी इस स्टॉक में कोई गिरावट नहीं आया। अगला हमारा देखते हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो देख सकते हैं इस स्टॉक का यहाँ से देख सकते हैं रिटर्न कितना बेहतरीन रिटर्न है। आप यहाँ से देख लीजिए, इसको मिलाइए यहाँ से, देखिए यहाँ से इस स्टॉक को मिलाइए, इस तरह से देख सकते हैं इतना बेहतरीन रिटर्न, इतना बेहतरीन रिटर्न है इस नवीन फ्लोर इंटरनेशनल लिमिटेड का। तो बहुत ही बहुत बेहतरीन रिटर्न है इस कंपनी का भी। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको गिरावट में मिलते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मार्केट कैप देख लीजिए, मार्केट कैप है 77 बिलियन का और पी रेशियो है 52 का, पी रेशियो बहुत ही हाई है। डिविडेंड यील्ड है 0.76% का और 52 भी हाई है, 1693 रुपीज़, मतलब अपने 52 भी हाई के करीब ही है। तो देख सकते हैं, अब हम चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, यहाँ पर इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं। इसका बैलेंस शीट क्या है, ये बैलेंस शीट अपडेटेड नहीं है, देख सकते हैं मार्च 19 तक कहीं है। तो चलते हैं नीचे, कंपनी के पास रिजर्व देख लेते हैं। तो कंपनी के पास रिजर्व देख लीजिए, कंपनी के पास रिजर्व कुल कितना है, तो आप कंपनी के पास रिजर्व देख सकते हैं, कंपनी के पास जो रिजर्व है 1049 करोड़ का। तो कंपनी के पास रिजर्व तो बहुत अच्छा है। उसके बाद डेप्ट देख लीजिए, कंपनी का डेप्ट बिल्कुल जीरो है, देख सकते हैं कंपनी का डेप्ट बिल्कुल जीरो है, कंपनी का डेप्ट बिल्कुल जीरो। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। और आगे इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, 526 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, 526 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। तो देख सकते हैं इस तरह से इतने बेहतरीन स्टॉक्स हैं ये सब, इसलिए ये शेयर आपको हाई प्राइस पे मिल रहे हैं। आप जो छोटे छोटे शेयर खरीदते हैं, ज़्यादातर जो नए लोग होते हैं वो 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वो आपको आगे चल के अच्छे रिटर्न नहीं देंगे। आपको अच्छे रिटर्न वही स्टॉक देंगे जो कि अच्छे हैं, और अच्छे स्टॉक्स कभी आपको सस्ते दामों पर नहीं मिलेंगे। यहीं पर आप देख सकते हैं कि हर अच्छा स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, कि हर अच्छा स्टॉक्स क्या है, महंगा है। आप 22 रुपीज़ देख सकते हैं कैश और बैंक बैलेंस, 22 करोड़ का बैंक बैलेंस है, मतलब कैश और बैंक बैलेंस है, तो ये तो बहुत कम है। उसके बाद बुक वैल्यू देख लीजिए, कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ से बढ़ते 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 पहले यहाँ तक बढ़ा था, फिर यहाँ पर बुक वैल्यू घटा है। तो ये भी ध्यान देंगे कि इधर जो 2 साल से 18-19 में बुक वैल्यू कंपनी का डिक्रीज हुआ है, तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगले स्टॉक पर चलते हैं, अगला स्टॉक है एशियन पेंट। तो दोस्तों इससे तो हर कोई जानता है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, और जो हम यहाँ स्टॉक लिए अतुल आरती इंडस्ट्री, ये निफ्टी 50 में नहीं है, लेकिन ये तो हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है जो एशियन पेंट है। तो देखते हैं एशियन पेंट, इसका रिटर्न देख लीजिए कितना का बेहतरीन रिटर्न है। आप एशियन पेंट का रिटर्न देख सकते हैं कि इतने गिरावट वाले मार्केट में कोई गिरावट नहीं आया, और ऊपर से आप इसका रिटर्न देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न है। अगर इस तरह से आपका वेल्थ क्रिएट हो तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना कौन नहीं चाहेगा। तो ऐसे स्टॉक अगर आपको गिरावट के मार्केट में मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें।
अब देख लीजिए इसका मार्केट कैप 1.69 ट्रिलियन, इतना मार्केट कैप है एशियन पेंट का, ट्रिलियन में है। और पी रेशियो देखते हैं 62 का, ये इसका भी पी रेशियो थोड़ा हाई है। और डिविडेंड यील्ड देखते हैं 0.81% का है, और जो 52 वीक हाई है 1916 का, तो इसके करीब ही है हमारा, 52 वीक हाई के करीब ही है। 52 वीक लो देख सकते हैं 1291 रुपीज़, तो 52 वीक लो इतना का है। तो एशियन पेंट एक बेहतरीन स्टॉक्स है। चलिए हम इसके फंड बैलेंस शीट को थोड़ा देख लेते हैं, ताकि आप इन्वेस्ट करने से पहले सारे फंडामेंटल रिसर्च जरूर कर लें। और टेक्निकल रिसर्च में आपको बोल ही रहे, जैसे करेक्शन आता है तब इन्वेस्ट करना है। अभी आपको इतने हाई प्राइस पर इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो आपको लो प्राइस पर ये मिल सकता है। अब देख लीजिए इसमें जो रिजर्व है कंपनी के पास वो है 8791 करोड़ का, रिजर्व है कंपनी के पास 8791 करोड़ का, तो बहुत ही ज़्यादा है रिजर्व इस कंपनी के पास भी। और डेप्ट देख सकते हैं, डेप्ट कंपनी के पास जीरो एक तरह से है, 15 करोड़, जिसका मार्केट कैप ट्रिलियन डॉलर में हो और जिसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो, 15 करोड़ ये निग्लिजिबल है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है लोन, ये तो निग्लिजिबल है इतने बड़े कंपनी के लिए, 15 करोड़ तो कुछ नहीं है ऐसे कंपनियों के लिए, इसलिए इस डेप्ट को हम काउंट नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं, तो आगे आपको कैश और बैंक बैलेंस दिखाते हैं और बुक वैल्यू कंपनी का। तो कैश और बैंक बैलेंस देखते हैं, 167 करोड़ का जो कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद बुक वैल्यू देख सकते हैं, कंपनी का बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज होते गया है, बढ़ते चला गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी जो, ये सारी कंपनियां बहुत ही बहुत अच्छी है। और जैसे 20 का, मार्च 20 का अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे, जैसे अपडेट होता है तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा कभी होगा, जैसे अपडेट हो जाएगा इन सारी कंपनियों का बैलेंस शीट, तो हम 20 तक के सारी चीज़ को कवर करेंगे। और एक चीज़ इसका छूट गया, इन्वेस्टमेंट, इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही बेहतरीन है। देखते हैं इन्वेस्टमेंट, लगभग 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी के पास, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है ये पाँचों स्टॉक्स। आप TCS, Infosys, HDFC बैंक, रिलायंस, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना ही है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स तो जो मार्केट है उसके लीडर्स हैं। लेकिन लीडर के सिवा भी ये सारे जो स्टॉक्स हैं, कुछ इसमें से केमिकल सेक्टर से है तो कुछ एशियन पेंट सेक्टर से है, लेकिन सारे के सारे स्टॉक एक दूसरे से रिलेटेड है, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये स्टॉक भी लगातार वेल्थ क्रिएट करके दिया है इन्वेस्टर को। तो ऐसे स्टॉक अगर आपको इन्वेस्ट करने का इच्छा हो तो अपना थोड़ा रिसर्च कर लें और फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। और जैसे गिरावट के मार्केट में आपको इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे के वैल्यू में मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूँगा ये, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।